गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने पहले देखा कि इसको वॉक, ट्रॉट और कैंटर कैसे सिखाए, तो ये अच्छी तरीके से सीख चुकी है। तो आज हम पहली बार इस पर सवारी करके दिखाएंगे। उससे पहले हमने आपको बोला था कि इसको प्लेन यानी कि सादी बीट लगा के हम सवारी करेंगे, राइडिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये सादी बीट है, ये अभी अभी टूटी कैटेगरी में आई है, ये देखिए। ठीक है, तो हम आज इस पर राइडिंग करके दिखाएंगे। तो हम पहले दिखाएंगे इस पर ये सामान कैसे लादते हैं। ठीक है, तो अगर कई घोड़े होते हैं जिसको आपने कभी कुछ किया नहीं हो तो ये रखने नहीं देंगे, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था कि आप ऐसे इसको साफ करिए, देखिए, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्ट हो जाएगी ऐसे। उसके बाद ये कपड़ा हमने इस पर रख दिया अच्छी तरीके से, बढ़िया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस पर सवारी करें उससे पहले भी ये चीज़ें आप इस पर लगाएं, और जो तंग से पट्टा है उसे कम टाइट करें, क्योंकि अगर पहली ही बार आप इसको ज़्यादा टाइट कर लेंगे तो उसको कभी कभी क्या होता है कि अनकंफर्ट महसूस होता है, तो घोड़ा कभी कभी बक करता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि पहले तो जब भी आप इसको ट्रेनिंग देने के लिए निकालें तो उसको हल्का सा ये पट्टा लगाइए, जिससे कि उसको अनकंफर्ट महसूस ना हो। हमने पहले भी इसको लगाया था, लेकिन क्या है कि आज हम उस पर राइडिंग करते हैं तो इसको टाइट बांधना पड़ता है, तो आज हम उसको टाइट करेंगे तो हो सकता है कि वो अनकंफर्ट महसूस करे। उसको अच्छी तरीके से प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगी। गाइस, तो हमने सामान इस पर लगा दिया है, तो हम फर्स्ट टाइम सवारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हम बैठने की कोशिश करें तो वो चलने लगे। अगर ऐसा होता है तो आप किसी और लड़के का सहारा ले लो, उसे रोक कर रखो, उस पर बैठो, उसके बाद उसको खड़ा रखो, उसके बाद उसे चलाएंगे। तो आप ये वीडियो बहुत अच्छी, ये देखिए, हमने इसको बड़ी प्यार से समझाया तो हम इस पर बैठ गए, इसने कुछ नहीं किया। तो अब आप पहले तो ये काम करो कि इसको चलने मत दो, उसको खड़ा रखो। अगर बैठ के इसको भगा दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई बैठते ही मुझे भागना है, तो क्या है कि वो अच्छी आदत नहीं है। तो इसको आप थोड़ी देर खड़ा रखो। अभी देखिए, ये खड़ा रखना भी एक आर्ट है। तो ये खड़ी है, ये देखिए, हम लगाम पकड़ के रखिएगा, ऐसा नहीं छोड़ दो। लेकिन ये क्या है, अभी बंद ग्राउंड में है तो नहीं बेटा, स्टॉप स्टॉप। ये क्या है कि अभी कंपाउंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना पकड़ के रखना चाहिए। हर घोड़े का स्वभाव एक कैसा नहीं होता, फिर आपने उसको कैसे ट्रेनिंग दी ये भी खूब ज़रूरी होता है। लेकिन हम इसको ये लगाम ढीली करेंगे और इसको बोलेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये ऊपर बैठकर ऐसा वर्क करती है। बेटा वॉक, देखिए हमने स्टॉप करके इसको खड़ा किया, फिर से हम इसे काउंट देंगे। बेटा वॉक, नहीं नहीं नहीं, इस तरफ इस तरफ, इसको अभी पता नहीं एक्चुअल में किधर जाना है। वॉक वॉक वॉक, टॉप टॉप टॉप, गुड गर्ल। वॉक वॉक, बहुत अच्छी। ये अभी शांत है तो हम इसको बाहर निकाल के आपको ट्रॉट चलाकर दिखाएंगे कि राइडिंग पर बैठ के ट्रॉट कैसे चलाना है। आप यूं ही बैठ के ट्रॉट नहीं चला सकते हो, आपको एक पैर पे अपने वजन देके ऐसे खड़ा होना होता है ताकि ट्रॉट चलने में घोड़े को भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। तो हम बाहर जाके मिलते हैं, आइए हमारे साथ देखते वॉक। ये अभी बहुत ही शांत है, हमने जैसे ट्रेनिंग दी है एक दूसरे वैसे ही बर्ताव कर रही है। तो गाइज,
अब हम आपको ट्रॉट कैसे चलाते हैं ये दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें पैर पूरे का पूरा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घोड़ी ज़्यादा मस्ती करे तो मैं तो बोलता हूँ पैर निकाल दो थोड़ी देर, वो जब सेट हो जाए उसके और वो सेट हो जाए उसके बाद पैर डाल सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो अभी हम वॉक 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 स्टॉप स्टॉप हम आपको ट्रॉट चला के दिखाएंगे। इस तरह आप ड्रॉट चला सकते हो कि किसी भी एक पैर पर आपको हल्का सा ऊपर उठना है, ठीक है। तो ड्रॉट में घोड़े को और आप दोनों को आसानी होगी, और इसको दोनों और घुमाना सिखाइए। और हो सके तो उसे एक सप्ताह के लिए सिर्फ वॉक पे ही चलाइए, क्योंकि वो कंफर्ट हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। एक जगह पर उसको थोड़ी देर खड़ा भी रखना सिखाइए, ताकि वो हमारे काउंट पर ही काम करे, वो भागे नहीं। आप देख सकते हो कि लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम सवारी करने पर काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन हम इसको जिस तरीके से ट्रेनिंग देंगे वैसे ही वो बर्ताव करेंगी। हम पहली बार इस पर बैठे, हमें भी यकीन नहीं था कि ये कैसे बर्ताव करेगी। हमने सोचा था कि बैठने नहीं देंगी तो हम किसी का सहारा ले लेंगे, हम किसी और का सहारा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से जो लोगों को आसपास रखेंगे तो धीरे धीरे चलना सिखा देंगे। और उसके बाद हम राइड, हमने सोचा था कि ये नहीं बैठने दी, तो क्या करना चाहिए आपको, दो लोगों को ये रस्सी थमा दो और आप बैठ जाओ शांति से, उसे बोलो वो दो दिन तक आपको घुमाएगा। तो इससे क्या है कि इसको पता चल जाएगा और ये सेट हो जाएगी। लेकिन क्या कि आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दोगे तो ये सब कुछ करने की नौबत नहीं आएगी और घोड़ी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। उसको वॉक और ट्रॉट पहले ऊपर बैठकर पूरे पूरा समझा दो, उसके बाद कैंटर। और गैलपिंग की बात करें तो जब घोड़ी फुल स्पीड से भागती है तो उसे गैलप बोलते हैं, तो वो भी पकड़ लेगी। अब ये वीडियो बना ले, इसके बाद मैं आपको इसी घोड़ी पर रेवाल और रल्ले, ये रेवाल यानी कि बड़ी चाल और रल्ला हमारे गुजरात में बोलते हैं, जिसे छोटी रेवाल बोलते हैं, तो वो दोनों चाल कैसे सिखाए घोड़े को ये हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको रेवाल नहीं आती, आपने देखा कि ये बिल्कुल ट्रॉट पर ही चलती है, क्योंकि इसको हमने सिखाया नहीं है, लेकिन हम उसे सिखाएंगे। और रेवाल और रल्ला सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये वॉक ट्रॉट कैंटर गैलप तो वो 10 या 15 दिन में सीख जाएगी, लेकिन जो रेवाल और छोटी रेवाल को निकालना वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन वो भी हम हो सके तो आपको दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। अभी देखिए ये ट्रॉट ही चलेगी, इसको रेवाल ट्रॉट देखा, ये अभी जम कर रही है क्योंकि ये रिवाल नहीं चलती। अगर रिवाल चलेगी तो राइडर हिलेगा नहीं कभी भी, उसे पता ही नहीं चलेगा, उतनी सॉफ्ट राइडिंग होती है। तो हम इसको सिखाएंगे कि रिवाल कैसे चले। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।